बच्चों आज मैं कल मैं आप लोगों को एल्कोहल का वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया था। फर्स्ट पार्ट था वो एल्कोहल का, पढ़ा था हमने एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का हम किस तरह एल्कोहल बनाते हैं, किस तरह से हम एल्कोहल का साधारण नामकरण करते हैं। आज हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एल्कोहल का IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। ठीक है, हम IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी हम एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तब हमें इस R में, हमें पता है R का मतलब क्या होता है, R का मतलब हम पता है CH3 C2H5 C3H7 और एक्सट्रैक्ट बहुत सारे हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो अगर हमने ट्रिक अपनाएंगे IUPAC नाम करते समय हमारे पास एक ट्रिक रहेगी एल्क। एल्क आप सभी को पता है क्या होता है, प्लस बॉन्ड का जो नेम होता है बॉन्ड नेम, प्लस आपका एल्कोहल का, ये एल्कोहल जो होता है एल्कोहल जो होता है ना उसमें का सबसे लास्ट वाला जो सफिक्स होता है हम उसको यूज कर लेते हैं अल। तो हमने क्या किया है, एल्कोहल के लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन आता है अल, तो हमने उसको क्या कर लिया है, अल को ऐड कर लिया है। अब एल को, अब मैं इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि इस ट्रिक के आधार पर किसी भी एल्कोहल का हम नाम IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो देखो अगर मैंने इस ROH में R की जगह पर कोई सी चीज उठाकर रख दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया C2H5OH, इसको मैंने उठाकर रखा, अब मुझे इसका नाम बताना है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। तो देखो क्या करेंगे हम, मैंने बताया एल्क, एल्क मतलब C2 कार्बन है हमारे पास, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो कार्बन की संख्या बेटा जब 2 है तो हमें पता है 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड नेम है, ठीक है ना, बॉन्ड नेम आपको पता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कैसे सिंगल बॉन्ड है, देखो सी एक एक इसको कन्वर्ट कर दिया हमने और ये OH हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, इस कारण हमने यहाँ पर क्या लिखा, N, ठीक है ना, N किया और लास्ट का फिर हमने क्या जोड़ दिया, अल, तो क्या हो गया, एथेनल। एक नॉर्मल फिट ट्रिक है अपने पास, नॉर्मल फिट ट्रिक अपन क्या यूज करेंगे, देखो ये तो एक है ही है समझने के लिए, एक और है इसके अलावा, देखो क्या होता है, हमारे पास एल्केन है, ठीक है ना, एल्केन में से हमने इस वाले ई को माइनस कर देंगे, वहां से हटा देंगे और अल जोड़ देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एल्केनल, ठीक है ना। अब एल्केनल बन गया, अब एल्क की जगह पर, एल्क की जगह पर अब हमने कुछ भी रख देंगे, जैसे CH3 रख दिया OH, तो एल्क हमारा क्या है, 1 कार्बन मेथ, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, और बहुत सारे हम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। देखो जैसे कि हो गया C3H7OH, इसको हमें नाम नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना, 3 कार्बन है, क्या बोलेंगे, प्रो, ठीक है ना, 3 कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा, आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देख सकते हो बनाकर, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा इसलिए क्या रहेगा, एन, ठीक है ना, और एल्कोहल का लास्ट का लगाएंगे अल, तो प्रोपेनल हो गया। ये बहुत इजी है, C4H9OH इसका बनाएंगे अपन, दोनों विधियों से बना सकते हो,
चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओएच का अल, ब्यूटेनल। बहुत इजी है। आप इस तरह से किसी भी इस वाले फॉर्मूले में आप रख के उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये था जो मैंने आपको बताया नोमेनक्लेचर का। अब मैं जो आप लोग को दे रहा हूँ घर से बनाने के लिए कुछ दे रहा हूँ, उसको आप लोग जो है बताना मुझे, ठीक है ना। पहला C5H11OH, सेकेंड C6H13OH, थर्ड वाला दे रहा हूँ C7H15OH। इन तीनों का मुझे कल IUPAC नाम और कॉमन नेम आप बताओगे जब मैं आपके साथ लाइव आऊंगा 11 बजे, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन तीनों का आप मुझे कल बताओगे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका जो है IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एल्कोहल के बारे में ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। एल्कोहल के बारे में हमने उसका कॉमन नेम पढ़ लिया, उसका नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज में, आइसोमेरिज यानी कि समावयवता, समावयवता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समावयवता के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एल्कोहल में, एल्कोहल में हमारे पास तीन टाइप की आइसोमेरिज्म होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ओके। फर्स्ट होता है चेन आइसोमेरिज्म, हिंदी में इसको बोलेंगे श्रृंखला समावयवता, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है आपका स्थिति समावयवता यानी पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति समावयवता, ठीक है। और तीसरा होता है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता, ठीक है। देखो हमारे पास एल्कोहल आ गया, एल्कोहल को हमने तीन टाइप, एल्कोहल की समावयवता को हमने तीन टाइप में उसको हमने डिवाइड कर दिया। पहला है श्रृंखला समावयवता, दूसरा है पोजीशन समावयवता, और तीसरा है क्रियात्मक समावयवता। ध्यान रखना मैंने आप लोगों को समावयवता क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग 11th क्लास की कॉपी निकाल कर एक बार इसकी परिभाषा देख लेना, ठीक है ना, कि चीजें होती क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जहां तक है कि मैंने इसको आपको डीपली भी बताया था, ठीक है ना। तो ये है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल। अब इसमें हम एक एक चीज को उठाकर हम उसको डीपली हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो हम पहला कवर करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे, CH3 CH2 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 और OH, ठीक है ना। और दूसरा हम ले लेंगे एक और CH CH2 OH और CH3 CH3, ठीक है। हमारे पास दो कंपाउंड है, ये एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में हमारे पास हम क्या शो कर रहे हैं, अभी हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि हम
श्रृंखला समाव्यवता के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है, हमको श्रृंखला समाव्यवता के बारे में पढ़ना है। चलो अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम क्या होगा। चलो मैं बारी बारी से बता देता हूं। मैंने बनाया CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को पता है कि हमेशा नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे आया। अब मैं इसका नाम रखूंगा तो क्या होगा बताओ, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बोल देंगे। पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन तो 1, 2, 3, 4, चार कार्बनों के कारण ब्यूटेन बन गया। पहले वाले कार्बन पर हमें क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन वन ऑल। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन वन ऑल। हिंदी में इसको लिखेंगे तो हम लिख देंगे ब्यूटेन वन ऑल, और साथ में भी लिख सकते हैं ब्यूटेन ऑल, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ये थी हमारे चेन आइसोमेरिज्म में समाव्यवता, ठीक है ना। अब इसका एक और वाला जो मैंने आपको बताया था ये उतार लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है चेन आइसोमेरिज्म में सेकेंड वाला जो मैंने आपको बताया था, देखिए CH CH2OH, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमें सबसे पहला क्या मैंने बताया था, कैसे नामकरण करते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी चेन को चुनना पड़ता है। तो बताओ सबसे बड़ी चेन कौन सी है, बताओ फटाफट बताओ सबसे बड़ी चेन कौन सी है। सबसे बड़ी चेन है ये वाली 1, 2, 3, ए नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग करेंगे जहां पर हाइट अपना जो है फंक्शनल ग्रुप पास में जुड़ा हुआ है, वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, हमारे पास 1, 2, 3, ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे 2। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, 2-methyl। दूसरे वाले कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, इस कारण मैंने क्या लिख दिया, 2-methyl, ठीक है ना, 2-methyl भी बोलते हैं, 2-methyl। अब कितने कार्बन है चेन में, 1, 2, 3, ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या करा, नंबरिंग करा कहां से, जहां से हमारे पास OH ग्रुप पास में था, 1, 2, 3, हमने पहले चेन चुन लिया फिर उसका नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग करते समय हमने ध्यान से देखा कि दूसरे वाले कार्बन पर हमारे पास एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने दूसरे नंबर पे जुड़ा 2-methyl, क्या लिखा बेटा, 2-methyl। अब देखो चेन में कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2-methyl प्रोपेन। अब यहां पर पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 ऑल, ठीक है ना, 2-methyl प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया बेटा आपका, ये बेटा आपका क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा 2-methyl प्रोपेन 1 ऑल, ये चीजें हो गई। तो ये वाला भी आपका एग्जांपल, और जो पहले वाला इसके जस्ट था वो काय का हो गया, वो चेन आइसोमेरिज्म के दोनों एग्जांपल थे, तो आप लोग इसको लिख लेना। वैसे ये सब एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एक्सप्लेनिंग द रिएक्शंस, ओके।
अब नेक्स्ट आइडियोमॉरिज्म की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आइडियोमॉरिज्म क्या कहता है देखिए, हमारे पास क्या थी पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थिति समावयवता। मैं यहां पर दो कंपाउंड लिखूंगा CH3, CH2, CH2OH, ठीक है ना। चलो और बढ़ा लेते हैं इसको, CH2 1 2 3 4 5 OH, ठीक है। दूसरी लिखूंगा मैं यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH OH। देखो सभी कार्बन को 1 2 3 4 सभी बराबर हो गए, देखिए दोनों का नाम अलग अलग होगा। इस पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि यहां पर OH ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है और इस वाले रिएक्शन में OH ग्रुप को मैंने सेकेंड वाले कार्बन पे जोड़ दिया है, ठीक है ना। अंतर कुछ भी नहीं है, बस उसका स्थिति में परिवर्तन होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे स्थिति समावयवता कहा जाता है। सिंपल, आप तो समझते हो ना, तो क्या बोलते, सब पढ़ा चुका हूं मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करो, यहां पर OH है यानी यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। क्या हो गया इसका, 1 चार कार्बन है, ब्यूटेन 1 ऑल, क्या नाम होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, इंग्लिश मीडियम वाले देखना, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है ना। नॉर्मल इसका नाम क्या होगा, और कहां से पास में पड़ता है OH ग्रुप, वहां से, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। OH ग्रुप कहां पर जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल, नीचे वाले में लिख दो ब्यूटेन 2 ऑल। नॉर्मल बहुत इजी है, बहुत इजी, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म की दोनों एक रिएक्शन को और एक रिएक्शन को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन है, क्रियात्मक समूह में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के पास मैंने पहले से लिखवा दिया था, वैसे सबको लिखवा दिया है मैंने, तो उसमें से डेफिनेशन आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब देखो क्रियात्मक समूह में क्या है, क्रियात्मक समूह में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, क्या है C2, क्या है C2H6O, मेरे पास ये फॉर्मूला है C2H6O, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको दो टाइप से लिख सकता हूं, देखो कैसे, CH3CH2OH बन गया ये, और इसी को फिर मैं दोबारा लिखूंगा कैसे, CH3OCH3। अब हाइड्रोजन काउंट करो, यहां पर 6 हैं, 3 और 3 6, कार्बन काउंट करो, यहां पर एक कार्बन 2, यानी सभी चीजें समान हैं। तो इस वाले समावयवता में हमें ये देखने को मिलता है कि इनके अणु सूत्र एक समान है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसी समावयवता को हम क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। देखो कैसे,
इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम बेटा क्या है, ईथर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेथिल ईथर है, और इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। देखो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इस कारण ये वाला जो है क्रियात्मक समायोजकता कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आया, यानी कि इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा कि क्रियात्मक समूह में परिवर्तन के कारण उत्पन्न। देखो यहाँ क्रियात्मक समूह अलग है, अणुसूत्र एक जैसा है, लेकिन दोनों का क्रियात्मक समूह अलग अलग है, इस कारण जो समावयवता उत्पन्न हो रही है वो कौन सी समावयवता है, वो क्रियात्मक समावयवता है। चलो यहाँ तक जो चीजें थी वो आप लोगों को मैंने बता दी। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखना, पहली बात, और मैं जितना चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास 12th की बुक मिल जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें से आप एग्जाम्पल को हल करना शुरू कर दो, ठीक है ना। कोशिश ये करूंगा कि बायो वालों को भी मैं एक दो दिन में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो, आई होप एक्सटेंड होता रहेगा, और आप लोग की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल की तरफ से चालू की गई हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपने घर पर पढ़ना है, ठीक है ना। जितना भी इस वीडियो में आपको डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो मैं 11 बजे जूम ऐप पर मैं आपको मिलूंगा, लाइव आऊंगा। जिस किसी को भी डाउट है, सभी को नहीं, जिसको डाउट है केवल वो लाइव आएंगे, हर कोई लाइव नहीं आएगा, वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं तुरंत आप लोग को, हमेशा नहीं, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे तक अवेलेबल रहूंगा, उसके बाद फिर मेरा पर्सनल लाइव भी है, ठीक है ना। सो दैट इज, अब हम आगे बढ़ेंगे।